देश बीमार है, इस वक्त अस्पताल और डॉक्टरों पर ही लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अगर अस्पताल भी हाथ खड़े कर दें तो क्या होगा? गुरुग्राम से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक प्राइवेट अस्पताल पर आरोप है कि अस्पताल का स्टाफ मरीजों को छोड़कर अस्पताल से फरार हो गया, यानी कि भाग गया, जिसकी वजह से कई मरीजों की मौत हो गई। दर्द है, हाथ जोड़ता रहो, मेरे को बता दो पापा कैसे, मेरे में कुछ अरेंज करता हूँ। नहीं बताया इन्होंने, इमरजेंसी के दरवाजे तोड़े तो हमने आईसीयू में जाके देखा तो सारे मरे पड़े थे अंदर। गुस्सा है, भाग कर रहे हो, सर आपके होते हुए डॉक्टर को कैसे भाग सकते हैं? सारे पेशेंट के अंदर डेथ छोड़ के नहीं बन सकते डॉक्टर को, हम जानते हैं क्या डॉक्टर ही हो। नहीं कहाँ से, यहाँ कोई क्राइम करके जाएगा आप बाहर रोक नहीं सकते उसको। गरम नहीं ठंडा, भाई साहब जिसके घर से दो बंदे जाते हैं ना उसको पता होता है गर्म या ठंडा। ठंडा है इनका और कुछ नहीं है, पैसे लेते जाना और पेशेंट को मारते जाना। अपनों को ना बचा पाने का मलाल है। अच्छा खासा आदमी मार दिया, अच्छा खासा पैरों से खून आ रहे हैं, मुंह से खून आ रहा है, पैरों से खून आ रहा है। हाय करिए यूं करके मुझको, बोला कि मत जाओ, कि थोड़ी देर रुक जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ। ये रख के तीन सिलेंडर। देश के करीब हर हिस्से से इस वक्त ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर कोरोना मरीजों के परिवार वाले दर दर भटक रहे हैं, अस्पताल के बाहर मरीज को भर्ती कराने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन मामला कुछ अलग है। यह हंगामा गुरुग्राम के सेक्टर 56 के कृति अस्पताल में मचा है। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को भगवान भरोसे छोड़कर अस्पताल का सारा मेडिकल स्टाफ भागने लगा। सारे स्टाफ, सारे डॉक्टर्स सब भाग गए हैं। ये वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि अस्पताल के अंदर अधिकतर जो स्टाफ है वो गायब हो चुका है। रिसेप्शन है ये, जहाँ पर कोई भी स्टाफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई भी बात करने वाला नहीं है। और यही आरोप इन लोगों का भी है कि सारे डॉक्टर्स नर्स यहाँ से भाग चुके हैं। गुरुग्राम से आई ये खबर बेहद डरावनी है, क्योंकि अब तक अस्पताल में बेड की कमी की खबरें आ रही थी, अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत की बात सामने आ रही थी, आईसीयू बेड न मिलने से मरीजों के दम तोड़ने की खबरें आ रही थी। लेकिन अब अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने कोरोना काल में हाथ खड़े कर दिए हैं, मरीजों को भगवान भरोसे छोड़कर फरार हो रहे हैं। सारे पेशेंट खत्म है, अंदर कैमरा लेके अंदर जाके देखो जरा क्या हाल हुआ पड़ा है। जो जिंदा लोग हैं उनको भी छोड़ के चले गए, उनको भी मरने के लिए छोड़ के चले गए। सारे पेशेंट्स के मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, सारे पेशेंट्स के मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। मेरे चाचा यहाँ पे एडमिट थे, सुबह तक बात हुई है, एकदम ठीक थे वो। अचानक से फोन आता है, पहले भाई को फोन करा, वो कह रहा है कि आईसीयू अंदर से उन्होंने कुंडी लगाई हुई है, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद एक घंटे बाद फोन आता है कि अंदर कोई भी नहीं है, अंदर जाके देखा तो पेशेंट डेड था हमारा। उसके बाद देखा आसपास सारे पेशेंट डेड थे, पेशेंट के मुंह से जो है ब्लीडिंग हो रही है। हंगामा करते लोग दरअसल अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन हैं, जिनका आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है और मरीजों की हालत हर पल बीतते वक्त के साथ खराब होती जा रही है। लेकिन ऐसे हालात में अस्पताल का मेडिकल स्टाफ मरीजों की देखरेख करने की बजाय वहां से भाग रहा है। और मैंने इनको आज इवनिंग में रिक्वेस्ट भी की थी, अगर आप लोगों के पास ऑक्सीजन कम हो तो मेरे पास हाफ सिलेंडर जिस पे मैं कल उनको यहां लेके आया था उसी सिलेंडर पे किसी दूसरे हॉस्पिटल पे ले जाऊंगा, आप मुझे बता दीजिएगा। केवल इन लोगों ने कोई इंटीमेट नहीं किया, मैंने कहा या तो सिलेंडर आप उनको लगा दीजिएगा स्पेसिफिकली, या उनको मुझे दे दीजिएगा, मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में उनको ले जाऊंगा, और कम से कम इमरजेंसी में यहाँ से वहाँ जाने का कुछ जुगाड़ तो करोगे। इन्होंने कुछ इंटीमेट नहीं किया, सारा स्टाफ ऑक्सीजन जैसी खत्म हुई बंद करके चुपचाप निकल गए। अगर इनके पास ऑक्सीजन खत्म हो गया था, इन्होंने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? व्हाई डिडंट दे इन्फॉर्म अस? हम कहीं से अरेंज करते सर। लोगों का आरोप है कि बिना इलाज के अंदर भर्ती मरीज तड़प तड़प के मर रहे हैं, अस्पताल के अंदर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। जो जिंदा थे पेशेंट्स, वो पेशेंट्स भी अंदर जो है अब मर चुके हैं। जो जिंदा थे जिनकी बीट हार्ट बीट चल रही थी, इनके फादर जो थे जब ये लोग अंदर थे उनकी भी पल्स आ रही थी, बट कोई उनको देखने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, वो भी एक्सपायर हो गए। अपनों की मौत से गुस्साए परिजनों की पुलिस से भी कहासुनी हो गई। लोगों का आरोप है कि मेडिकल स्टाफ अस्पताल छोड़ता भागता रहा और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। देश इन दिनों कोरोना की भयंकर मार से कराह रहा है, ऐसे में लोगों की उम्मीद केवल डॉक्टर है। लोग अस्पतालों और डॉक्टरों पर ही इस वक्त भरोसा कर रहे हैं, डॉक्टर जी जान लगाकर लोगों के इलाज में जुटे हैं।
लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। गुरुग्राम से मनीष चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हालात आप देख रहे हैं कैसे हैं देश में और देश की राजधानी और देश की राजधानी के आसपास के ये वो इलाके हैं, वो हॉस्पिटल हैं जहां पर कहा जाता है कि इलाज सबसे बढ़िया मिलेगा आपको। कोरोना की वजह से दिल्ली के हालात बेहद खस्ता हैं। अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टैंकर से ऑक्सीजन अस्पताल में पहुंचाए जा रहे हैं लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली हो या फिर जम्मू, हर ओर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना मौत का तांडव कर रहा है। ऑक्सीजन डिले, सांसों की डोर फेल, ऑक्सीजन हुई कम, 12 लोगों ने तोड़ा दम। ये सिसकियां हिंदुस्तान कभी भूलने वाला नहीं है, अपनों का साथ छूट रहा है। इलाज के अभाव में मरीजों का दम फूल रहा है। देश में ऑक्सीजन का अकाल पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से रोज सैकड़ों मरीजों की जान जा रही है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में सुबह ऑक्सीजन की कमी की वजह से 12 मरीजों की मौत हो गई। जिन मरीजों की मौत हुई उसमें गैस्ट्रोलॉजी विभाग के हेड भी शामिल हैं। ये सिलसिला पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। ये धूप छांव जो हमारी चल रही है, ऑक्सीजन के साथ जो हमारा खेल चल रहा है, ये बहुत ही गंदा खेल था। 326 पेशेंट हैं जिस अस्पताल में, 300 कोविड पेशेंट हो, 230 हाई फ्लू में हो, उसमें 48 आईसीयू में। नाउ ऑक्सीजन तो हम लोग मांगते हैं तो अपने लिए तो नहीं मांग रहे, पीने के लिए नहीं है ऑक्सीजन, तो पब्लिक के लिए है, पेशेंट के लिए है, उन मरीजों के लिए जो यहाँ पर भर्ती हुए हैं। हमने जब बताया कि हमारे पास अब मात्र आधा घंटे की ऑक्सीजन बची, उसके बावजूद भी कोई टैंकर मुंडका में था, कोई टैंकर बुरारी में था, हमारे तो हाथ पैर फूल गए। बत्रा अस्पताल में एक तरफ मरीजों का दम फूल रहा था, दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। बत्रा अस्पताल बार बार ऑक्सीजन की कमी की गुहार लगा रहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही 12 मरीजों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दिल्ली में एक तरफ कोरोना का संकट है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार सवाल किए जा रहे थे, लगातार बत्रा हॉस्पिटल से कॉल्स की जा रही थी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की आधे घंटे की खेप बची है, लेकिन ऑक्सीजन जब पहुँची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगातार जो ऑक्सीजन है उसकी कमी के चलते जो है वो तमाम अस्पताल जो हैं वो जूझ रहे हैं। 12 लोगों ने जब दम तोड़ दिया तो उसके बाद बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। दिल्ली के माता चानन देवी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। अस्पताल में भर्ती 200 मरीजों की सांसें फूलने लगी थीं। वो तो गनीमत रही कि वक्त रहते ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा और मरीजों की जान बच पाई। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर हाईकोर्ट भी खफा है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र को निर्देश दिया कि वो दिल्ली को तुरंत 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिलवाएं। जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। लगातार जो हाईकोर्ट है वो इस पर सवाल जवाब भी कर रहा है और दिल्ली में जिस तरह से 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसकी भरपाई के लिए भी हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश साफ तौर पर कहा है कि किसी भी हाल में 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुँचनी चाहिए, अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो अदालत अवमानना का की कार्रवाई कर सकती है। तो इस तरह की चीजों की नौबत लगातार आती जा रही है कि जहां पर हाईकोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि अवमानना होगी अगर इसका पालन नहीं किया गया। जितनी जरूरत है दिल्ली में उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। दिल्ली सरकार का अपना अलग तर्क है, उनका कहना है कि ऑक्सीजन इस वजह से नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि तमाम जगहों पर ऑक्सीजन को रोका जा रहा है, तमाम जगहों पर ऑक्सीजन को पहुंचाने में बाधा डाली जा रही है। तो कुल मिलाकर के क्या ये राजनीति का वक्त है क्योंकि इस समय तमाम हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन ना होने की वजह से परेशान हैं। एक एक मिनट ऑक्सीजन कमी की वजह से भारी पड़ रहा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी लगातार ऑक्सीजन की गुहार लगा रहे हैं और केंद्र से लेकर दूसरे राज्यों की सरकारों से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उससे आधी ऑक्सीजन ही दिल्ली को मिल पा रही है। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से SOS आ रहे हैं, इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी एक घंटे की बच गई, उसकी आधे घंटे की बच गई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है, उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को, वो 490 भी नहीं मिल रही है, कल केवल 312 टन आई है। तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे, तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के, जो जो भी सुन रहा है ये और जिस जिस के हाथ में डिसीशन लेना है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की वजह से जिस तरह से जिंदगियां बेजार हो रही हैं वो बेहद चिंता की बात है। रोजाना ऑक्सीजन की वजह से देश में सैकड़ों मौत हो रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिशें नाकाफी हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि एक साल पहले जब कोरोना ने तबाही मचाई थी तो केंद्र और राज्य सरकारों ने सबक क्यों नहीं सीखा, अस्पतालों को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं किया। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में क्या हालात हैं, कितनी ऑक्सीजन बची है, न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने बत्रा अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर SCL गुप्ता से बात की है। बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते हमने 12 लोग खो दिए और उसमें सबसे गंभीर बात यह कि उसमें से एक ऐसे डॉक्टर भी थे जो बत्रा हॉस्पिटल में करीब करीब 30 साल से 31 साल से काम कर रहे थे। एक डॉक्टर का खोना बहुत बड़ी बात है। मेडिकल डायरेक्टर हमारे साथ बत्रा हॉस्पिटल के जुड़े हुए हैं। सर, ये बहुत ही शर्मनाक है, कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन क्या हुआ था कुल मिलाकर के? सर, ये शर्मनाक भी है और दुखद भी है। दुखद इस तरह से कि हमें पता है क्या होने वाला है, ये सबको पता है कि पिछले 7-8-9 दिनों से पेंडेमिक खूब है। हमें यह भी पता है कि इन जनरल ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी है, हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रश्न तो यहीं पर आ जाता है ना। और उस समय, जिस समय इस पर्टिकुलर बीमारी का अगर कोई बेस्ट ट्रीटमेंट है तो वो है ऑक्सीजन। बाकी हर जगह आपको क्वेश्चन मार्क है, कुछ लोग कहते हैं स्टेरॉयड देना है, कुछ लोग कहते हैं रेमडेसिविर देना है, आपने रोज सुना होगा, पर किसी ने ये नहीं कहा ऑक्सीजन नहीं देना। पेशेंट आता है यहाँ पर, ऑक्सीजन उसको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो यहाँ पर आता है उसको फ़ायदा मिलता है। अगर उसको ऑक्सीजन ही ना मिले, और सीखे हमने 12 पेशेंट तो लूज किए जो फिजिकली आज हुए, इस त्रासदी की वजह से ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑर्गन डैमेज हुए होंगे जो आज नहीं पता चलेंगे। इसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ होगा, आज युग काहे का है, सोशल मीडिया का है। जो पेशेंट होते हैं वो अंदर एडमिट होते हैं, वो एडमिट होते हैं तो वो तो PPE किट में नहीं होता ना, PPE किट में तो डॉक्टर होता है, वो तो अपना मोबाइल फोन देख रहा होता है, हो सकता है अगर ये लाइव होगा तो न्यूज नेशन का ये भी देख रहा होगा, और उसे पता चले कि अस्पताल में ऑक्सीजन कमी हो गई है। सर, आखिरी सवाल मेरा कि कितने मिनट, कितने घंटे की ऑक्सीजन अभी आपके पास है और फिर कितनी रिक्वायरमेंट होगी? करीब 5,000-4,500 लीटर होगी, जो करीब 12 घंटे चल जाएगी, यानी सुबह 6:30-7 बजे तक, प्लस माइनस जितना भी होता है। अथॉरिटीज से आपकी चैनल के द्वारा ये विनती है, जो सुन रहे हों अथॉरिटीज़ या गैस सप्लायर्स, वो हर हालत में टाइमली सप्लाई करें, और सरकार से मेरी विनती है कि वो हमको ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में दें और उसको रेगुलरली दें। ये ऑक्सीजन तो आ गई 1.25 घंटे का गैप के बाद, लेकिन उस 1.25 घंटे ने 12 जान ले ली। अगर यही ऑक्सीजन 1.25 घंटे पहले आ जाती तो ये नहीं होता। तो निरंतरता बनाए रहना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार की। तो दिल्ली सरकार इसको देखे और हमको सभी किसकी कमी है आपको क्या लगता है, कहाँ पर कमी रह गई?
कमी तो दिल्ली सरकार की है ना, दिल्ली सरकार के द्वारा सप्लाई होना चाहिए था। हमारे ये जो टैंकर सप्लाई करते हैं आइनॉक्स और गोयल, वो महान आत्माएं हैं, उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनको चिल्लाते रहिए, बात करते रहिए। कायदे से दिल्ली सरकार ने इनकी जिम्मेदारी लगाई है, तो इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती टाइमली सप्लाई करने की। तो कुल मिलाकर के एक डॉक्टर भी थे जिन्होंने जान गंवा दी बत्रा हॉस्पिटल में, कल सुबह तक की ऑक्सीजन है, अगर समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो दिक्कत और बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, बत्रा हॉस्पिटल, दिल्ली। तो दिल्ली हो या फिर जम्मू, हालात हर जगह एक जैसे ही हैं। हर जगह ऑक्सीजन की वजह से मरीजों की अस्पताल में मौत हो रही है, लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। जम्मू के बत्रा अस्पताल में 4 मरीजों की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। ये एक मर्डर है, ये खुद नहीं हुआ है, वो बच सकती थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हुई है। हर ओर मौत की सिसकियां हैं, हर आंख में पानी है, चित्कार ऐसी कि कलेजा मुंह को आ जाए। मौत का मातम है, लाइलाज बीमारी से पूरे देश का दम फूलने लगा है। जम्मू के बत्रा अस्पताल में 4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। सभी मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट की वजह से सरवाइव कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत हुई है। जम्मू के बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 लोगों की आज सुबह मौत हो गई है, जिसके बाद इस समय जो बत्रा हॉस्पिटल है वहां पर हंगामा चल रहा है। आप देख सकते हैं ये सब उन पेशेंट के अटेंडेंट हैं, वो जो लगातार यहां पर अपना गुस्सा जो है वो निकाल रहे हैं। जो प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन आनी चाहिए थी वो पहुँच नहीं पा रही थी, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि लगातार अब जो यहाँ पर पेशेंट हैं वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। मेरे भाई ने मुझे फोन किया, वो दूसरे बेड पर थे, कि इनको ऑक्सीजन मरने जा रही है, इन कुछ करो। मैंने सुपरिटेंडेंट को फोन किया तो उन्होंने पहली बार उठाया, हाँ हम कर रहे हैं। दूसरी बार किया फोन तो उठाया नहीं, फिर इनसे करवाया तो उठाया, हाँ कर रहे हैं। तो उतने में वाई ने फोन फिर से किया, अब सेंट्रल सप्लाई भी बंद हो गई। मृतकों के घर वालों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने कोई भी जानकारी वक्त रहते नहीं दी, बस पैसा बनाने में लगे रहे। अभी आधा घंटा पहले एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, वो बाहर से ही अपना प्राइवेट सिलेंडर लेके, क्यों? क्या आपके पास अपना दिमाग है? एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बंदी जो कि खुद कोरोना पॉजिटिव है, वो अपना सिलेंडर लेके क्यों आएगी अगर आपके पास पूरी अवेलेबिलिटी है? सिद्रा हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, ये जो लोग अंदर बैठे दरवाजों के पीछे सिर्फ लोगों का पैसा खाते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये मर्डरर्स है, ये एक मर्डर है, ये खुद नहीं हुआ है, वो बच सकती थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हुई है। अस्पताल प्रशासन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। अस्पताल प्रशासन की माने तो मरीजों के रिश्तेदारों को वक्त वक्त पर हर जरूरी जानकारी दी जा रही थी। देखिए, ऑक्सीजन की कमी मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ 4 पेशेंट्स की डेथ हुई है आज सुबह से। चारों के चारों पेशेंट्स सिक थे, बीमार थे, बहुत ज्यादा बीमार थे, और उनके अटेंडेंट्स को टाइम टू टाइम बता दिया जा रहा था कि ये इनको प्रॉब्लम चल रही है, जो ये किसी भी वक्त ये प्रॉब्लम में ये आ सकती है, इसमें कोई भी ये बीमारी किसी तरफ भी टर्न ले सकती है। ऑक्सीजन की कमी मैं नहीं कहूँगा, सिलेंडर की ये थोड़ी सी शॉर्टेज हुई थी सुबह के टाइम पे, सुबह कोई 9:30 बजे के करीब थोड़ी सी शॉर्टेज हुई थी सिलेंडर्स की, और उस शॉर्टेज के लिए हमने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया था। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से रोजाना लोगों की मौत हो रही है। सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि अस्पतालों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लिहाजा रोजाना ऑक्सीजन की वजह से मरीजों की मौत हो रही है। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।